हेलो बच्चों, मैं कल्पना थराय, बायोलॉजी टीचर। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 10th का, जो कि लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है। नाम है रेस्पिरेशन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है वो चार चीज़ें इसमें पढ़नी है, राइट? पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। और यही चारों प्रोसेस रिक्वायर्ड है एक सेल को जिंदा रखने के लिए। अगर इसमें से एक भी प्रोसेस नहीं होगा तो एक सेल जो है जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अपनी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है। उसको खाना भी चाहिए, उसको एनर्जी प्रोड्यूस भी करना है, उस खाने से उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, और लास्ट में इन सब प्रोसेसेस के बाद जो एक्सक्रीशन बचा उसको बाहर भी निकालना है, उस सेल अपने अंदर नहीं रख सकता है। तो एक इंडिविजुअल हो, मल्टी सेलुलर, या फिर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसको रेस्पिरेशन करना ही है, जो कि एक पार्ट है लाइफ प्रोसेसेस का। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए यूनिसेलुलर टिल मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एवरीवन हैज टू डू लाइफ प्रोसेसेस। एंड एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस इफ गेटिंग हिंडर्ड, देन देर विल बी अ प्रॉब्लम, और यू कैन से देर विल बी ए लाइफ सर्वाइवल प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो हम रेस्पिरेशन डिस्कस करते हैं। इसके पहले टॉपिक आता है न्यूट्रिशन, और आप लोग भली भांति जानते हैं कि न्यूट्रिशन में हम खाना कैसे बनाते हैं या फिर खाते हैं। अब बनाने की बात करें तो पौधे करेंगे, प्लांट्स, बिकॉज दे डू फोटोसिंथेसिस एंड वी आर हेटरोट्रॉफ, दैट्स व्हाई वी डू इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स ओनली, राइट? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस एनिमल्स। रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो इट्स अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टू रिलीज एनर्जी। हमने क्या कहा, ये क्या प्रोसेस है? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन। किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। टू रिलीज एनर्जी, ये चार पॉइंट हैं जो कि डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आएंगे। क्या है? रिलीज होगी एनर्जी। और हम जानते हैं कि एनर्जी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? ईदर इट इज एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, विच इज सेलुलर करेंसी, और हीट। सो ये या तो हीट होगा या फिर एटीपी फॉर्म में होगा, जो कि सेलुलर करेंसी है, सेल जिसको खर्च करता है काम करने के लिए एटीपी। और हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, दैट्स अ हीट एनर्जी। तो डेफिनेशन फॉर रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी, इट्स अ केमिकल प्रोसेस वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एटीपी। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू व्हाट वी हैव टू स्टडी। देन ये जो रेस्पिरेशन है, ये दो तरह से हो सकता है, ये दो तरह का होता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। दो तरह का कौन सा हुआ? एक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो और दूसरा जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा उसको कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। है कि नहीं? एरोबिक और एनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक, अगर नहीं है एनएरोबिक कंडीशन। अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें एक,
रेस्पिरेशन के ऊपर, तो कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, राइट? ये क्या है? ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। एक बात याद रखिए, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा? प्लांट जो हैं वही तो खाना पूरे संसार के लिए फिक्स कर रहे हैं। वो किस फॉर्म में फिक्स कर रहे हैं? CO2 फॉर्म में। तो कार्बन लेके चलेंगे हम, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं हम। यहां पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है कि नहीं? 6 कार्बन, यही तो 6 कार्बन है इसमें, और इसको ग्लूकोज कहते हैं। यही तो बना था फोटोसिंथेसिस में, जिस पे सारा संसार निर्भर है। तो ग्लूकोज हो गया, इसके साथ हमने क्या लिया? ऑक्सीजन ले लिया, और इस ऑक्सीजन को इन द प्रेज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल डू व्हाट? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो यहां क्या होगा? ब्रेकडाउन एंजाइम आ जाएगी, तो ये टूट जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी बन जाएगी। और एनर्जी बन जाएगी, आया क्या समझ में? अब हम देखते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, कौन से टाइप का रेस्पिरेशन। हम तो टाइप ही पढ़ रहे थे ना, ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे तो भैया ऑक्सीजन आ गई ना, तो ये कौन से टाइप का रेस्पिरेशन हुआ? एरोबिक। ये हुआ एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन। एक बात नोटिस करना यहीं पे कि हमने स्टार्ट किया था 6 कार्बन से, C6 था उस मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज में, और एंड कर दिया 1 कार्बन पे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में एक ही कार्बन है ना, तो 6 कार्बन से शुरू किया और तोड़ दिया 1 कार्बन पे, कंप्लीट ना। अब क्या 1 का आधा भी तोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या कहेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा हुआ? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, जिसमें 6 के 6 कार्बन ग्लूकोज के टूट गए 1 कार्बन CO2 में। अब उससे छोटा क्या ही होगा? फिर ये CO2 चला जाएगा फोटोसिंथेसिस में, फिर से फिक्स्ड हो गया, तो ये साइकिल चलती रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की यहां पे ये है कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा टाइप क्या होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? तो अगर हम कह रहे हैं कि यहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहां पे इनकंप्लीट होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। सो देयर इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन विल हैव इनकंप्लीट ब्रेकडाउन। इनकंप्लीट ब्रेकडाउन में क्या होगा? अब यहां पे कंप्लीट में 1 कार्बन तक टूट गया, वहां पे 1 कार्बन तक नहीं टूटेगा, तो 2 कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 6 से कम बनेगा और 1 तक नहीं पहुंचेगा। यही है ना, पक्का? तो अगर हम एनएरोबिक की बात करते हैं तो क्या होगा? एनएरोबिक में क्या बताया मैंने कि टूटेगा लेकिन कंप्लीट नहीं टूटेगा, 1 कार्बन में तो नहीं जाएगा, 6 से स्टार्ट हुआ है तो 1 तक नहीं जाएगा, बीच तक कहीं रुक जाएगा। तो देखते हैं कहां पे रुक जाएगा। तो ये हुआ ग्लूकोज आपका C6H12O6, एंजाइम आए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं है इसमें, चला यहां से, एंजाइम्स आए और ये टूट गया किसमें? 1 3 कार्बन के कंपाउंड में। एक कंपाउंड है जिसके पास 3 कार्बन है, या फिर ये टूट गया एक कंपाउंड में जिसमें 2 कार्बन थे,
दो कार्बन थे, छह से चला और कहां पे पहुंच गया, तीन कार्बन पे या फिर दो कार्बन पे। इनकम्प्लीट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल मैं कह रहा हूं, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तीन कार्बन का है या दो कार्बन का है, तो इसका मतलब ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और हम जानते हैं कि जब तीन कार्बन की बात करते हैं तो यहां पे आता है लैक्टिक एसिड और ये अल्कोहल हो गया। कौन सा दो कार्बन, मिथेनॉल की इथेनॉल, मेथ एथ राइट, इथेनॉल। ग्लूकोज था, तीन कार्बन का टूटा तो लैक्टिक एसिड बना दिया, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ दो कार्बन का तो इथेनॉल बना दिया। इसका मतलब क्या है कि यहां पे दो ही कार्बन है ना और यहां पे तीन कार्बन है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो एक डिफरेंस था एरोबिक एनारोबिक में। क्या डिफरेंस है, एरोबिक में ऑक्सीजन होगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ग्लूकोज का। इन एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है उसको। क्लियर। अब देखते हैं कि चीजें चलती कैसे हैं, हो क्या रहा है। तो मान लीजिए कि आपने ग्लूकोज लिया, नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रहा हूं, हमने लिया ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को हमने प्रोवाइड कर दिया क्या, एंजाइम। इस ग्लूकोज का हमने प्रोवाइड किया एंजाइम, ये ग्लूकोज टूट जाएगा। अभी मैं दूसरा प्रोसेस बता रहा हूं, ऑक्सीजन मत लगा देना, एंजाइम लिखा है मैंने, ऑक्सीजन नहीं लिखा है, तो एरोबिक एनारोबिक में मत घुस जाना। अभी हमने लिख दिया एंजाइम, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स विल कन्वर्टेड इनटू अ थ्री कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पाइरुवेट। ये तीन कार्बन का कंपाउंड है। क्लियर। अभी पीछे की बातें भूल जाओ जो अभी हमने सीखा, कुछ मत याद रखो, बस ये देखो ग्लूकोज एंजाइम के प्रेजेंस में एक कंपाउंड में टूट रहा है जिसका नाम है पाइरुवेट, और ये तीन कार्बन का है। तो छह कार्बन का ग्लूकोज था ना, तीन कार्बन का टूट रहा है, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे जी, तीन दुनी छह, थ्री टू जा सिक्स, कि नहीं हुए कंप्लीट ना। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। अरे भैया ये क्या है ग्लाइकोलाइसिस, समझ लो, नाम क्या है, ग्लाइको, ग्लाइको मीन्स शुगर, स्वीट, और लाइसिस का मतलब क्या हुआ, ब्रेकडाउन। हम क्या कर रहे हैं इसमें, ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, ग्लूकोज यही था ना। यही था ना, शुगर मिठाई तो होता है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो हमने ब्रेकडाउन किया ग्लूकोज को एक थ्री कार्बन के कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं पाइरुवेट, कई जगह इसको पाइरुविक एसिड भी कहते हैं, दोनों सेम ही है। एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसको कहा हमने ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो यहां पे कहीं पे तो ऑक्सीजन आ नहीं रही है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिखा है क्या, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ब्रेकडाउन होगा, हम जो कैटेगरी बना रहे हैं एरोबिक और एनारोबिक, वो इस प्रोसेस में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहां तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, नोट डाउन कर लो, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है,
कि ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, सब कुछ तो सेल के अंदर ही हो रहा है ना, सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्रोसेस सेल के अंदर होगी। हम जानते हैं सेल में क्या है, ऑर्गेनेलीज है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो ये कहाँ पे होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा, सेल साइटोप्लाज्म में। इतनी बात समझ में आई। ग्लूकोज एक रिएक्शन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टूट रहा है तीन कार्बन कंपाउंड में, उसको कहते हैं पाइरुवेट, एंड द टेक्निकल नेम फॉर दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ये हो कहाँ रही है, सेल साइटोप्लाज्म में। इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। इतनी बातें याद रखेंगे क्या आप लोग, इतनी बातें याद रह जाएंगी? ठीक है, कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। क्या पॉइंट है, एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ जब हमने ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ा, तो कितना एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा देख लेते हैं। तो ये कंप्लीट जो रिएक्शन हुई, ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में टूटा, इस कंप्लीट रिएक्शन में कुछ एनर्जी हमें डालनी भी तो पड़ेगी बाहर से, तो एनर्जी जो इनपुट लगी वो लगी दो एटीपी की, दो एटीपी हमने यूज कर दिया इसमें, इस रिएक्शन को करने में, और एंड ऑफ द डे हमने कितना एटीपी कमाया, तो एंड ऑफ द डे जब हमने गिना तो हमने कमाया चार एटीपी। सो दो एटीपी लगे और प्रोड्यूस हुए चार एटीपी, नेट गेन कितने का हुआ, नेट गेन कितने एटीपी का था, क्या है, चार माइनस दो, दो एटीपी हमें नेट मिला। क्यों, दो तो हमने लगाया था ना, दो रुपए लगाया चार रुपए कमाया, तो हमने कमाया कितना, चार माइनस दो, दो रुपए हमारी कमाई है, तो नेट गेन कितने का हुआ, दो एटीपी का हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया क्या? ठीक है, ये तो सिनारियो है जब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सिंपल प्रोसेस है, ए ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में टूट रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। अब समझते हैं कि ये जो पाइरुवेट बना तीन कार्बन का, ये जो पाइरुवेट बना तीन कार्बन का, इसका फेट जो है, फेट ऑफ दिस पाइरुवेट विल नाउ डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और नॉट। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पाइरुवेट बना भी तीन कार्बन का ना, इसको एक कार्बन तक जाना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये पाइरुवेट जो बना इसका फेट डिपेंड अब करेगा कि ऑक्सीजन है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन है तो ये कहां पहुंच जाएगा पाइरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पाइरुवेट अगर ऑक्सीजन है तो पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इस पाइरुवेट का। ठीक है, ये तो बात रही जब ऑक्सीजन है, फिर इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बाद के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जब ऑक्सीजन है तो पाइरुवेट कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। अगर ऑक्सीजन नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पाइरुवेट जो है सेल साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, तो ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज टूट गया पाइरुवेट में। अब ये पाइरुवेट के पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं जाने से रहा, नहीं जाएगा, फिर ये सेल साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, बट फर्दर ब्रेकडाउन होगा। तो सेल साइटोप्लाज्म में ही ऑक्सीजन, मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन नहीं है, नोट करना,
ऑक्सीजन नहीं है तो सेल साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और टूट जाएगा इथेनॉल में, इथेनॉल में। इथेनॉल कितने का था? दो कार्बन का था ना, ये दो कार्बन है, ये तीन कार्बन है, तो कितना मॉलिक्यूल बनेगा? एक कार्बन अभी और जोड़ना है ना इसमें, एक CO2 लगा दो, हो गया तीन कार्बन। एक कार्बन CO2 के पास, दो कार्बन इसके पास, पाइरुवेट के पास भी तीन कार्बन हो गया, ठीक है। ये तो एक पाइरुवेट का हुआ, दूसरे पाइरुवेट के लिए मतलब हमने जब ग्लूकोज तोड़ा तो दो मॉलिक्यूल ऑफ दी पाइरुवेट बने थे ना, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेना, ये एक के लिए बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, एक CO2, दो के लिए दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल और दो CO2, ठीक है। एनर्जी नहीं बनेगी, कोई कोई एनर्जी नहीं बनेगी। NCERT में लिखा है कि एनर्जी बनेगी, लेकिन इन रियलिटी कोई एनर्जी नहीं बनती है इस स्टेप पे, इस स्टेप पे कोई एनर्जी नहीं बनेगी। जो एनर्जी बननी थी यहीं पे बन गई, वहां पे कुछ नहीं बनेगा। तो ये कहां पे हो रहा है? जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनरोबिक ऑर्गेनिज्म में, राइट। सो एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दिया? ईस्ट का, जो एल्कोहल फर्मेंटेशन में काम आता है बनाने में, इसको भी फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो हमें एंड प्रोडक्ट एल्कोहल मिल गया। फिर क्या होगा? क्या ये इंसानों में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? क्या होता है ना, हम किसी दिन मूड में आए और बहुत ज्यादा वर्क कर दिए, शरीर कहेगा कि अरे बाबा इतना ज्यादा, रुको सबक सिखाते हैं तुमको। फिर अगले दिन शरीर में ऐंठन शुरू हो जाएगी, पैर नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है। हपने में भी होता है, कहां पे होता है? मसल सेल्स में होता है। सो इन ह्यूमन दिस एनरोबिक रेस्पिरेशन कैन हैपन इन मसल सेल्स। हम जानते हैं कि मसल सेल्स में ऑक्सीजन स्टोर रहती है। कौन स्टोर करता है? एक प्रोटीन होता है, किसका भाई है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, और मायोग्लोबिन क्या करता है? स्टोर करेगा। तो जब आप नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे हैं तो शरीर को पता है कि भैया ये कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा, इसको इतनी ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इतने से काम चल जाएगा। और आप तो जिद में हो कि आज तो एकदम बॉडी बना के ही निकलनी है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मसल सेल्स में। फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो शरीर जानता है कि ये पागल इंसान है, कुछ भी कर देगा, ऑक्सीजन स्टोर रखो, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले दिन पड़ जाएगी अगर आप कुछ बहुत ज्यादा वर्जिश कर दिए तो। तो ह्यूमन मसल सेल्स में इथेनॉल तो नहीं बनेगा, क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। जो कि तीन कार्बन का है, तो क्या यहां पे CO2 बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड बन गया। बट ये दर्द करेगा, कैसे? क्रैम्प्स, इसीलिए मुझको कहते हैं मसल क्रैम्प्स होने लगेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स। और ये सब दोनों चीजें कहां होंगी? ये दोनों चीजें कहां हो रही हैं? सेल साइटोप्लाज्म में। दोनों चीजें ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही हैं, और कहां हो रही है? सेल साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। तो ये क्या हुआ? एनरोबिक रेस्पिरेशन। ये ईस्ट में था। डन। फिर क्या है? थोड़ा सा एटीपी के फॉर्म में भी समझ लेते हैं कितना बनेगा। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकंप्लीट में दो ही एटीपी बनेगा, और वो दो एटीपी जो नेट गेन हुआ वो ग्लाइकोलाइसिस कराएगा, तो ईस्ट में या फिर आप मसल क्रैम्प्स में, तो दो ही एटीपी बनेगा जब लैक्टिक एसिड बनेगा, इनकंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा उसमें एक ग्लूकोज से कितना बना देंगे? तो पहले वाले में जब ग्लूकोज से पाइरुवेट बना तो यहां पे कितना बना था? दो एटीपी बना था ना। नेट गेन कितने का हुआ था? दो एटीपी का हुआ था, चार बना था लेकिन दो हमने खर्च किया था, इसलिए कितना होगा? दो एटीपी का ही नेट गेन होगा। इसके बाद ये जब पाइरुवेट
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो वहां पे दो फर्दर ब्रेकडाउन होता है, दो रिएक्शंस चलती हैं। एक का नाम है क्रेब्स साइकिल और दूसरे का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा वो इसको वो भी कर लेना भैया, कहाँ लिखा मैंने, इसको बैलेंस कर लेना। क्या बैलेंस हो जाएगा, 6 लगा दोगे तो हो जाएगा, ठीक है हो गया ना, इसको बैलेंस कर देना रिएक्शन को। नेचर में ऐसा कुछ होता नहीं है बट हाँ, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पाइरुवेट आएगा तो क्रेब्स साइकिल जो है यहां पे होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहां पे होगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्लियर। एट द एंड हम एक ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाते हैं। कितना बनाएंगे, ये दोनों प्रोसेस होने के बाद 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है। अभी ये कई बुक में कई 32 से लेके 38 कई कहते हैं 32 बनता है, कई कहते हैं 36 बनता है, एनसीईआरटी 38 कहती है, 38 लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा भैया कंप्लीट रेस्पिरेशन। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीवन।